गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी बच्चों को सभी टीचर्स को गुड मॉर्निंग मेरी ओर से मेरा नाम कमलेश कटरे कामगार नगर मुंसिपल हिंदी शाला कुरला एलवार्ड सिंह mm -hmm. प्राइमरी टीचर हूँ मैं आज मैं कक्षा अच्छा पांचवी से लेसन लेने वाला हूँ पाठ का नाम प्रस्तावना के बाद बताऊंगा तो हम लेसन को स्टार्ट करते हैं मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चों आज हमारा हिंदी का लेसन है तो मैं से इसको स्टार्ट कहानी है हमारी तो कहानी से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ छोटा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ सब बच्चे हम, हम लोग गांव में रहते थे तो गांव में कर, सब बच्चे गांव में जमा होते हैं और खेलते रहते हैं एक दिन की बात है जब रोड पे बच्चे खेल रहे थे पांच छह बच्चे जमा होके खेल रहे थे अचानक उनको रोड पे एक दस रुपए की नोट गिरी हुई मिली पड़ी थी रोड पे तो दो बच्चों की नजर उसके ऊपर गिरी और वो दौड़ते गए दोनों और झट से उठाने की दोनों ने कोशिश की और दोनों बच्चे उस नोट को उठाने लगे तो एक बोलता है कि ये सबसे पहले मुझे दिखी मेरी है दूसरा बोलता है मेरी है बाकी के सब बच्चे बोल रहे थे चिल्ला रहे थे जोर जोर से बोल रहे थे हाँ मेरी है मेरी है इसकी है उसकी है पर फैसला नहीं कर पा रहे थे कि अब ये नोट किसको देना चाहिए दस रुपए की उसी समय बाजू में एक बुजुर्ग बैठे थे वो सब देख रहे थे दृश्य तो बहुत देर तक उनके आपस में चर्चा चलती रही बच्चों की बोले कि ये नोट किसकी है एक बोलता है मेरी है, मेरी है ऐसा उनका बहुत देर तक फैसला नहीं हो रहा था तब उन्होंने सोचे चलो ये बूढ़े व्यक्ति बैठे बुजुर्ग इनसे पूछा जाए कि नोट किसकी है और फैसला किया जाए तब वो बच्चे बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाते पूछते दादाजी दादाजी हमें यहाँ नोट मिली आप तो देख ही रहे थे बताइए ना एक एक बच्चा बोलता है तो मेरी है मुझे पहले दिखी थी एक बोल, बोलता है मुझे पहले दिखी थी दादाजी भी थोड़ी देर सबकी बातें सुनते हैं और जो बच्चे बा, बाजू में थे जिन जो साथ में खेल रहे थे उनसे भी पूछते हैं फिर लास्ट में फैसला सुनाते है बोले कि आप है दस रुपए की नोट ना आपकी है ना आपकी है आप लोगों को साथ में दिखी साथ में आपने उठाया इसलिए तो एक काम करो बोलते कि आप इस नोट को जाके दुकान में जाओ सब चॉकलेट ले लो अब सब चॉकलेट लेके खा लो तो बच्चों इस प्रसंग से हमें दिखाई देता है कि यहां जब आपस में बातचीत से बात नहीं बनती तब हमको किसी व्यक्ति को का चुनाव करना पड़ता है और व्यक्ति का चुनाव करके हमें उस का जो भी प्रसंग हमारे सामने सामने आता है उसको फैसला करवाना पड़ता है तो उसमें व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है उसको बोलते पंच जो हमारे फैसले को सुनाने के लिए तैयार रहता है और जिसे हम पंच चुनते हैं तो आज हम बच्चों और पंच का पद परमेश्वर के जैसे होता है ईश्वर के जैसे होता है वो पक्षपात नहीं कर सकते अभी उस व्यक्ति ने बुजुर्ग व्यक्ति ने किसी बच्चे के साथ पक्षपात नहीं किया उन्होंने कहा कि सबका किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए और किसी का अकेले का फायदा नहीं होना चाहिए तो पंच परमेश्वर के रूप में होता है तो वही हमारे कक्षा का लेसन है पाठ बारह पंच परमेश्वर पढ़ेंगे हम इनके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा मुंशी प्रेमचंद जी तत्कालीन उस समाज के समाज पारदर्शी लेखक थे जो समाज में घटित होता है उनकी कहानियां उपन्यास बड़े ही प्रचलित है बहुत अच्छा उन्होंने अपने कहानी लेखन में कार्य किया है और उस समय जो समाज में तत्कालीन परिस्थितिया थी उसको उन्होंने अपने लेखन के माध्यम से प्रकट करने की कोशिश की थी तो वही उनके कहानी संग्रह में से पंच परमेश्वर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है जो आज हम पढ़ने वाले हैं तो आप जरा ध्यान से सुनिए बच्चों कहानी बहुत अच्छी मजेदार है जिसमें आपको बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है यहाँ ज्यादातर मुंशी प्रेमचंद जी ने उर्दू शब्द का उपयोग इस कहानी में जो पात्र है उनके द्वारा किया हुआ है यहाँ इस कहानी में पात्र परिचय कराना चाहूंगा पहले पात्र है जुम्मन शेख दूसरे उनके दोस्त के रूप में है अलगू चौधरी जुम्मन शेख की खाला है उनका नाम है खाला नाम नहीं दिया है यहाँ बूढ़ी खाला है फिर पंच के रूप में रामधन मिश्र है और साहू ऐसे यहाँ पात्र परिचय है इन कहानी में तो हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं बच्चों बहुत प्यारी कहानी है अब ध्यान से सुनिए और जब हम इस कहानी के बारे में स्पष्टीकरण करेंगे चर्चा करेंगे तब आपको प्रश्नों के उत्तरों के जवाब आपको देना है तो जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाड़ी मित्रता थी जुम्मन शेख और अलगू चौधरी दो पात्र यहाँ सामने इस कहानी में आए हैं हमारे सामने पहले प्रसंग में तो इनमें दो दोस्त है गाड़ी मित्रता थी गाड़ी बोले तो इसका समानार्थी शब्द होगा घनिष्ठ एकदम गहरी मित्रता थी इनकी उनकी, उनकी सांझे में खेती होती थी तो बच्चों देखो पहले के लोग क्या करते थे आ, खेती होती थी उनकी तो खेती वो अकेला परिवार ना करते हुए वो सांझे में खेती करते थे मतलब दोनों परिवार के लोग मिलकर उस खेती को करते थे और उस खे, खेती में मतलब मेहनत आना दोनों का साथ में होता था इसलिए उसको बोलते थे सांझे में मतलब एक दूसरे की मदद करके एक साथ तो ये दोनों मित्र भी थे और खेती भी साथ में करते थे जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी जो बहुत बूढ़ी हो गई थी खाला एक उर्दू का शब्द है खाला को हिंदी में मौसी बोलते हैं। तो जुम्मन शेख की मौसी थी उसके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी मिल्कियत मतलब होती संपत्ति जो हमारे पास रहती जमीन जायदाद घर ये उसको बोलते संपत्ति मिल्कियत पूंजी उसके पास कुछ थोड़ी सी मिल्कियत थी उसके निकट संबंधियों में कोई न था लेकिन उस उनकी खाला के कोई वारिस नहीं था बच्चे नहीं था कोई नहीं था उनके निकट में बोले तो जुम्मन जी थे जिनके आसपास फिर उनके बच्चे नहीं थे कोई नहीं थे जुम्मन ही उनके सबसे निकट ही थे उस उनके निकट संबंधी में कोई न था जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह मिल्कियत अपने नाम लिखवा ली जो बूढ़ी खाला की मिल्कियत थी जो भी जमीन थी उनकी संपत्ति थी वो मिल जुम्मन शेख ने बड़ी बड़ी बातें की और बड़ी बड़ी बातें करके खाला को समझा के वो रजिस्ट्री उसने जो संपत्ति थी वो अपने नाम मिलकियत अपने नाम लिखवा ली जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री न हुई थी तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन सारी खातिरदारियों पर मानो पाबंदी लगा दी खाला जान का खूब आदस आदर सत्कार हुआ करता था जब तक रजिस्ट्री नहीं हुई थी रजिस्ट्री पर मोहर लगी उस दिन के बाद खाला के आगे क्या दशा हुई आगे हमको पढ़ने में मिलेगा तो बच्चों दान पत्र लिखवाई थी जुम्मन शेख ने खाला की जमीन कुछ पैसे दे के खरीदी नहीं थी तो उन्होंने बड़े चा, लंबे चौड़े वादे कर दिए खाला से कि देखो बोले आप बूढ़े हो गए हो मैं आपकी सेवा करूंगा ऐसी बड़ी बड़ी बातें आपको सब कुछ मिलेगा आपकी आपका कोई नहीं है ऐसी बड़ी बड़ी बातें किए कि मैं आपको रानी जैसे रखूंगा अपनी मेरी मेरी आप मेरी माँ हो ऐसा वैसा बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी वादे करके उन्होंने अपना मतलब जताया कि मैं ही आपका सब कुछ हूँ और मैं आपका बहुत अच्छी तरह से सेवा करूंगा तो खाला भी सोच में पड़ गई कि चलो हमारा अकेला यही तो है जो हम हमारी देख कर सकता है तो दान पत्र पे उन्होंने सिग्नेचर कर दिए साइन कर दिए और मुहर लग गई और जा, सारी ये जुम्मन शेख की हो गई कानूनी तौर पर रजिस्ट्री हो गई और वो सारी जमीन जायदाद जितनी भी थी खाला जान की वो सब खाला जान की मिल्कित जुम्मन शेख की हो गई लेकिन जिस दिन इन रजिस्ट्री पे मुहर लगी उस दिन से जितनी भी खालाजान की खातिरदारी होती थी मतलब जब तक साइन नहीं हुई थी तब तक खाला जान को नए कपड़े अच्छा खाना सेवा मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें सब कुछ इनके बीच में होती रहती थी और परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था मतलब किसी के बीच में कोई तनाव नहीं था लेकिन जिस दिन से रजिस्ट्री हो गई मुहर लग गई उसके बाद मानो खातिरदारियों पर पाबंदी ही लग गई अब इन सब बातों को खालाजान देख रहे थे समझ रहे थे तो उन्होंने एक दिन कह दिया अंत में एक दिन खालाजान ने जुम्मन से कहा बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा, तुम मुझे रुपया दिया करो मैं अपना पका खा लूंगी तुम्हारे साथ निर्वाह नहीं होने वाला है बोले आपकी और मेरी कुछ पट नहीं रही है आपका आपकी ओर से आपकी पत्नी की ओर से मेरी कुछ सेवा नहीं हो रही है बोले हमारे बीच में कोई निर्वाह नहीं हो सकता तुम मुझे रुपया दिया करो और मैं अपना पका खा लूंगी बोलती है आप मुझे अब मेरे पास तो कुछ है नहीं मैं कमा नहीं सकती कुछ नहीं कर सकती तो आप मुझे हर महीने रुपए दे दिया करो बोलती है मैं अपना कमा लूंगी उन रुपयों से अपना पका लूंगी जो भी सामान खरीदना है खरीद लूंगी और मैं अपना जीवन निर्वाह करूंगी लेकिन मैं आपके साथ मेरा निर्वाह मतलब जम, आपके परिवार में मेरा निर्वाह नहीं हो सकता ऐसी खालाजान जुम्मन से कहती है जुम्मन ध्रष्टता से उत्तर दिया रुपए क्या यहाँ फलते हैं खाला बिगड़ गई जब जुम्मन ने ध्रष्टता से निर्लजता से उदंड से उत्तर दिया का समानार्थी शब्द होगा उद्दंडता आगे हम समानार्थी शब्द भी पढ़ेंगे उत्तर दिया रुपए क्या यहाँ फलते हैं मतलब पेड़ पे फलते है रुपये की मैं उठा हिला दू पेड़ को और आपको रुपए दे दू तब खाला को भी गुस्सा आ गया खाला बिगड़ गई उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी खाला ने पंचायत करने की धमकी दे दी जुम्मन बोले हाँ जरूर पंचायत करो जुम्मन भी बिगड़ गए बोलते हाँ पंचायत करो जरूर पंचायत करो संध्या का समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी आपके सामने पिक्चर देख रहा है बैठो एक गांव का एक पिक्चर है जहाँ कुछ लोग चबूतरे पे बैठे हुए हैं नीचे कुछ लोग बैठे हुए हैं एक बूढ़ी अम्मा खड़ी है तो संध्या का समय था शाम का समय था संध्या मतलब शाम का समय था एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी पंच बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे बिनती की बिनती मतलब विनंती प्रार्थना की पंचो आज तीन साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी जुम्मन ने मुझे तहायात हायात रोटी कपड़ा देना कबूल किया अब रात दिन का रोना सहा नहीं जाता मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा पंचायत भरी जुम्मन खड़ी हुई जुम्मन ने सब सॉरी खाला जुम्मन भी वहां थे सब लोग वहीं पंचायत बैठी हुई थी और खालाजान खड़ी होके बोलने लगी कि आपसे मेरी विनती है प्रार्थना है पंचो बोलती है आज से आज तीन साल हो गए बोलती है जब तो उन्होंने अपनी मिल्कित संपत्ति जायदाद जुम्मन के नाम करा दी तो आज बोले मेरे तीन साल हो गए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुमन के नाम लिख दी लेकिन बोलता है जुमन ने मेरे पूरे जिंदगी भर तहात जब तक मैं जिंदा हूं तहायात मतलब जब तक वो जिंदा रहेगी पूरी जिंदगी भर रोटी कपड़ा देना का बोल किया था ऐसा नहीं कि दो जब तक मैंने उनको मिलकियत लिखवा दी तब तक ही नहीं तो मैंने सारी अपनी जायदाद बोले बच्चों ध्यान से सुनिए मैंने पूरी अपनी जिंदगी भर रोटी कपड़ा देना का जो मनने किया था बोले लेकिन अभी ऐसी हालत हो गई कि न मुझे अच्छा खाना मिलता न रोटी मिलती न कपड़ा मिलता रात दिन का रोना लगा रहता रहता है बोलती मुझे धुतकारा जा रहा है मेरी समस्या है मेरी सेवा नहीं हो रही है बोलता है मुझे न पेट की रोटी मिलती है न पेट भर खाना मिलता है न तन का कपड़ा मिलता है सब ये बात खाला की सारे पंचों ने सुनी रामधन मिश्र बोले रामधन मिश्र गांव के प्रमुख व्यक्ति है जो बीच में बैठे और रामधन मिश्र है। जुमन मिया किसे पंच बदते हो पंच बदते हो पंच बदना मतलब पंच, पंच ना। वो आपस में उनको पूछा जाता था कि आप इस सभा के इस पंचायत के किसे पंच चुनना चाहते हो झुमन बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है जुम्मन बोले जुम्मन क्या बोले पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है खाला जान, जिसे चाहे उसे बंदे। खाला बोली और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो अलगू चौधरी को मानते हो लो मैं उन्हीं को पंच बदती हूँ तो जब पंचायत ने जुम्मन शेख को कहा गया कि आप किसे पंच बदते हो तो जुम्मन शेख ने कहा खालाजान को पंच दो दोनों दावेदारों को चुना गया कि आप किसे पंच चुना चाहते हैं आपकी मर्जी है तो खालाजान ने कहा कि मैं का सबसे मित्र है अलगू चौधरी हमने जैसे पहले ही जिक्र किया था कि जुम्मन के सबसे खास करीबी गहरी मित्रता मित्र थे अलगू चौधरी <coughs> मैं उन्हीं को पंच हूँ ऐसा जु खालाजान ने कहा अलगू कन्नी काटने लगा कन्नी काटना मतलब एक मुहावरा है कन्नी काटना तो कन्नी काटना लगा काटने लगा काटने और बोलने, क्योंकि उन्हें लगना कि अलगू को अलगू को लगने लगा कि जुम्मन तो है अब मैं क्या करूं मुझे पंचायत में पंच बद दिया गया अब कैसे होगा ये तो मेरा मित्र है मैं इसके साथ खिलाफ या साथ में कैसे फैसला सुना सकता हूं ऐसा उनको अलगू चौधरी जी को लगने लगा बोले खाला तुम जानती हो कि मेरे जुम्मन से गाड़ी दोस्ती है खाला को बोले कि खाला आप जानती हो कि मेरी और जुम्मन की गाड़ी दोस्ती है खाला ने गंभीर स्वर से कहा बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता ईमान मतलब जो हमारा सम्मान रहता है ईमानदारी रहती है वो दोस्ती के लिए नहीं बेच, बेचा जा सकता ऐसा खाला ने कहा <clears throat> बेटा दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है पंचों के मुंह से जो बात निकलती है वह खुदा की तरफ से निकलती है खाला ने ऊंचे स्वर में कहा कि बेटा दोस्ती के लिए कोई ईमान नहीं बेचता पंच के दिल में खुदा बसता है खुदा बोले तो भगवान ईश्वर बसता है परमेश्वर बसता है और जिसको पंच चुना गया तो उसके मुंह से जो भी शब्द निकलेगा जो भी फैसला निकलेगा वो खुदा का फैसला है ऐसा समझा जाता है और वो फैसला खुदा ने सुनाया है परमेश्वर ने सुनाया है ऐसा माना जाएगा अलगू चौधरी पंच हुए फैसला हो गया कि इस पंचायत का पंच का को अलगू चौधरी रहेंगे जुम्मन को पूरा विश्वास कि अब बाजी मेरी ही है जुम्मन को लगने लगा कि अलगू चौधरी तो मेरे मित्र है वो भी घनिष्ठ मित्र है मेरे करीबी मित्र है अब जो भी फैसला आएगा वो मेरे ही पक्ष में आएगा अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी जाते थे जो अभी हम कोर्ट बोलते हैं ना न्यायालय वहां कचहरी बोलते थे पहले पहले की सब अभी भी कचहरी बोला जाता है तो कचहरी से काम पड़ता था अतः यह पूरा कानूनी आदमी था अलगू चौधरी भी जानकार था ऐसा नहीं कि उनको कानून नहीं मालूम था उनको कानून अच्छी तरह मालूम था उसने जुम्मन से, उसने जुमन से से शुरू शुरू की मतलब पूछताछ शुरू कर दिया अब देखो पंचों को तो सब चीजों की जानकारी रहती है नहीं तो उनको सवाल जवाब करना पड़ता है दोनों पक्ष की ओर से जिनको जो फैसला करना है उनको सुनना पड़ता है कि एक, इस, पंचायत में क्या क्या होने वाला है प्रश्न किस बात की हमको यहाँ पंचायत बिठा ली गई है ऐसे दोनों पक्षों द्वारा सवाल जवाब शुरू किए जाते हैं एक एक प्रश्न के हृदय पर हथौड़ की चोट की तरह पड़ता था जब अलगू चौधरी उनसे जुम्मन से अपने मित्र से प्रश्न पूछते हैं तो ऐसा लगता था कि उनके हृदय पर हथोड़े से मारा जा रहा है मतलब उनको बहुत चोट लगती थी अंत में अलगू ने फैसला सुनाया खालाजान की बात सुनी गई जुम्मन शेख की बात सुनी गई और अब फैसला सुनाने का टाइम आया फैसला सुनाया गया जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खालाजान को महावार खर्च दिया जाए तो उनके नाम हो चुकी थी तो फैसला फैसला सुनाया गया कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए महावर मतलब महीने का खर्च दिया जाए यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया जब फैसला सुनाया कि उसको महीने के आपको रुपये देने हैं पैसे देने हैं तो जुम्मन के सामने सन्नाटा आ गया एकदम ऐसा चुप रह गया धक रह गया और खड़ा रह गया सन्नाटा छा गया रामधम मिश्रा और अन्य पंच कहते इसका नाम पंचायत है दूध का दूध पानी का पानी कर दिया दूध का दूध पानी का पानी हो जाना ये भी मुहावरा है बच्चों तो दूध दूध का का और पानी का पानी मतलब जो सच्चाई थी वो सबके सामने आ गई कुछ दूध में पानी नहीं रहा दूध अलग हो गया पानी अलग हो गया मतलब जो झूठी बातें थी अलग होगी और सच्चाई सबके सामने आ गई दोस्ती दोस्ती की जगह है किंतु धर्म का पालन करना मुख्य है हमें इतने प्रसंग में यह समझ में आया कि हमें दोस्ती दोस्ती तक है लेकिन जब हम न्याय की बात करते धर्म का कर, बात करते हैं, तो हमें अपना न्याय का करते समय धर्म का पालन करना पड़ता है आगे पढ़ेंगे बच्चों बहुत अच्छी कहानी है सुनते रहिए ध्यान से इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी जड़ हिला देना मतलब जमीन में जैसे पेड़ रहते हैं पेड़ की जड़े रहती है तो पेड़ को हिला दो तो जमीन तक की जड़ हिलने लगती है वैसे ही जो फैसला सुनाया गया तो जुम्मन की पूरी पैर हिलने लगे और जो फैसला आया उससे वो एकदम हिल गए पूरे पूरी तरह से वे मुल, वे मिलते जुलते थे मगर उसी तरह जैसे तलवार से ढाल मिलती है तलवार से ढाल कैसे मिलती है युद्धभूमि मिलती है और जबरदस्ती मिलती है जो कई वार होता है तब लेकिन तलवार और ढाल कभी मिलते नहीं लेकिन कभी मिल भी गए अब दोस्त थे कभी मिल भी गए लेकिन बात तो करते थे लेकिन कैसी बातें करते थे जैसे युद्ध में तलवार और ढाल लड़ते हैं वैसे अच्छे कामों को सिद्धि अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है पर बुरे कर्मों की सिद्धि में यह बात नहीं होती जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया अब देखो कुछ दिन बाद जुम्मन के जुम्मन को बदला लेने का अवसर मिल गया पिछले साल अब कहानी दूसरी बच्चों थोड़ा वही कहानी है थोड़ा दृश्य दूसरा आ गया पिछले साल अलगू चौधरी बटे सर, की एक बहुत अच्छी गोई मेल लाए थे यहां गोई शब्द है जो जोड़ी रहती है बैलों की तो वो जोड़ी लेके आए है अल कौन लाया है अलगू चौधरी बटेसर बैलों की एक अच्छी जोड़ी लेके आए हैं पंचायत में एक महीने पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया अलगू चौधरी जोड़ी ले बैल लेके आए बैल की जोड़ी लेके आए थे और पंचायत के एक महीने बाद जब वो पंचायत हुई थी खाला जान जुम्मन से की, उसके एक महीने बाद जोड़ी का एक बैल मर गया जब अकेला बैल किस अब अकेला बैल किस काम का उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला निदान यह सलाह ठहरी की इसे बेच डालना चाहिए गाँव में एक समझू साहू थे वो एक बैल से तो खेती करने से रहा अलगू चौधरी इसलिए फैसला किया गया कि चलो इसको बेच दिया जाए तो गाँव में एक समझू साहु थे साहू का नाम था समझू उसी गाँव की बात है उस गांव में एक समझू साहू रहते थे वह इक्का गाड़ी हाँकते थे एक बैल से गाड़ी हाँकते थे उसको बोलते इक्का गाड़ी इक्का हाँकते थे इस बैल पर उनका मन लहराया इस बैल पर उनका मन क्या है लहरा गया उनको लगा कि बैल बहुत अच्छा है और मेरे एक का गाड़ी में काम आ जाएगा तो बोलते है इस बैल को खरीद लिया जाए इस बैल पर उनका मन आ गया उन्होंने उस बैल को खरीद लिया एक महीने में दाम चुकाने का वादा ठहरा पहले पैसे नहीं रहते थे तो उधारी बोले एक महीने के बाद आप बैलों का दाम दे देना दाम मतलब कीमत चौधरी को भी जरूरत थी वो घाटे की परवाह न की अब अकेले बैल की जोड़ी नहीं मिल रही थी तो बोले ठीक है चलो बेच दिया जाए घाटे की परवाह नहीं किया कि कि फायदा हो रहा है, कि नुकसान हो रहा रहा है है नुकसान साहू ने नया पाया तो लगे उसे जिस दिन से बैल खरीदा उस दिन से उसको लगे जोतने रोज अब नया नया मजबूत पहलवान बैल था बहुत अच्छा बैल बैल था लगे जोतने उसको रात दिन वह दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे जहां से वो सामान ढोते थे वो इक्का से तो एक दिन भर में तीन तीन चार चार बार खेप ले जाते थे मतलब एक बार दो बार तीन बार चार बार ऐसे यहाँ से वहां सामान ले जाने का काम करते थे न चारे की फिक्र थी न पानी की बस खेपों से काम था उसको बैल की कोई चिंता नहीं थी सिर्फ काम लेना जानते थे बैल को न चारा खिलाते थे ना पानी खिलाते थे पानी पिलाते थे बस उससे काम लेने लेते थे बस एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा अब साहू जी को तो काम निकालना था तो उसने उन्होंने जो जितनी सामान लेके जाते थे बोझा लेके जाते थे उस इक्का गाड़ी में उससे दुगुना बोझा उस इक्का गाड़ी में डाल दिया दिन भर का थका जानवर पैर उठ, उठ उठ उठते न थे अब बेचारा बैल ठहरा दिन भर काम कर रहा था अब वजन भी ज्यादा हो गया दोगुना हो गया अब क्या करें वो धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा बैल ऐसा गिरा धरती पर कि वो फिर कभी उठा ही नहीं देहात का रास्ता बच्चों की आंखों की तरह सांझ होते ही बंद हो जाता है देहात देहात मतलब गांव गांव में तो रोड जैसे सांझ हुई शाम सां हुई कि आना जाना बंद हो जाता है सब अपने अपने घरों में हो जाते तो वैसी वही समस्या हुई कोई नजर ना आया साहू समझू साहू को रोड पे कोई नजर ना आया लाचार बेचारे साहू जी आधी रात तक नींद की बहलाते रहे आधी रात तक वही बैठे रहे कोई मिला ही नहीं पाव फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब जिसमें दो ढाई सौ रुपये बंधे थे जब सुबह सुबह पाव फटना मतलब जो रात के बाद जो सुबह होती है सुबह सुबह जब वो धुआं गिरते रहता है गिरते पव फटने लगी उस समय उनकी नींद खुली कमर में उनके पैसे रखे हुए थे कमर पर हाथ रखा थैली रखी थी जिसमें दो ढाई सौ रुपए उन्होंने दिन भर में जो कमाया था वो देखते है तो गायब हो गए घबरा कर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नरदात अभी एक मुहावरा है कि इधर उधर देखा तो उनको कोई नजर नहीं आ रहा है इस घटना को कई महीने बीत गए अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और साहू दोनों ही झल्लाए वे कुत्तों की तरह कुत्ते की तरह चढ़ बैठते जब भी अब एक महीना हो गया है बैल मर गया साहू का सब कुछ हो गया एक महीना भी बीत भी गया लेकिन साहू ने अलगू चौधरी को बैल का दाम बैल की कीमत नहीं दिए थे और जब भी अलगू चौधरी उनको पैसे मांगने जाते तब दोनों दोनों साहू साहू और आएन, मतलब जी की पत्नी ये झल्लाते कुत्ते की तरह चिड़ते जैसे कुत्ता नए व्यक्ति को देखता है झपट पड़ता है चिल्लाने लगता है भोकने लगता है वैसे ये दोनों के दोनों एकदम ग... अलगू चौधरी के ऊपर चिल्लाने लगते थे अलगू चौधरी एक बार गर्म पड़े गांव के भले मानस परामर्श देने लगे कि पंचायत कर लो एक दिन जब पैसे मांगने गए तो उनमें भी तनातनी हो गई और गांव के लोगों ने उनको सलाह दी कि बोले झगड़ा करने से क्या है इससे अच्छा पंचायत कर लो देखो पहले के जमाने में ना कोर्ट में नहीं जाते थे न्यायालय में नहीं जाते थे गांव में अभी भी गांव में छोटे मोटे झगड़े रहते हैं और गांव के पंच न, पंचायत में हल किए जाते हैं गांव के लोगों को बुलाया जाता है बड़े जो जानकार लोग हैं उनके बीच पंचायत की जाती है इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पंचायत बैठी जिस वृक्ष के पेड़ के नीचे और अलगू सॉरी जुमन और खाला जान की पंचायत हुई थी उसी पेड़ के नीचे आज अलगू चौथरी और समझू साहू की पंचायत बैठी रामधन मिश्रा ने कहा बोलो चौधरी किसको पंच बनते हो उस समय भी रामधन मिश्र थे आज भी पंचायत में रामधन मिश्र है तो रामधन मिश्र बोले अलगू चौधरी को किस किस को पंच बदते हो मतलब पंच किसको चुनते हो अलगू ने दीन भाव से कहा समझू साव ही चुन ले समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले मेरी ओर से जुम्मन से अलगू चौधरी ने किसको पंच चुनने का मौका दिया तो समझू साहू को पंच चुनने का मौका दिया तो साहू कड़क कर बोले मेरी ओर से जुमन से का जुमन का नाम सुनते ही चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा मतलब उसको डर लगने लगा अंदर से घबराहट सी होने लगी और कलेजा एकदम जोरों से धड़कने लगा धक 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 करने लगा यह भी एक मुहावरा है धक धक करने लगा तो मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो घबरा गए कि हम जब अचुमन शेख और खालाजान की पंचायत थी तो हमने निर्णय दिया था फैसला सुनाया था और वो फैसला जगह शत्रुता हो गई है और अब हमें हमारी भी जो फैसला सुनाने की बात हुई तो जुम्मन को पंच चुना गया ये सब बातों का सोचते हुए उनके अलगू चौधरी के मन में डर सा हो गया और एकदम तो सन्नाटा सा छा गया और उनका जो कलेजा है वो धक धक करने लगा डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित व्यवहारों का सुधारक पथ प्रदर्शक बन जाता है कभी कभी क्या होता है लेकिन जब हम जब हमें उत्तरदायित्व मिलता है बच्चों जब हमें कोई जिम्मेदारी दी जाती है जैसे हम क्लास में भी हम सर ने बोले कि मैं अभी क्लास से बाहर जा रहा हूं बच्चों एक को कक्षा नायक बनाए आपको पढ़ाना है लेकिन जो बच्चा सर के, सर जब क्लास में थे शिक्षक जब क्लास में रहते हैं और उस समय जो बच्चा मस्ती करता है खेलते रहता है उसी बच्चों को हमने अगर उस क्लास को संभालने की जिम्मेदारी दे दी तो आप लोग भी बच्चों कितनी अच्छी तरह से क्लास संभालते हमें मालूम है तो वैसे ही जब जुम्मन को उत्तरदायित्व मिला उस पंचायत का न्याय करने का फैसला सुनाने का व्यवहारों को संकुचित व्यवहार को सुधारक पथ प्रदर्शक मार्ग पथ प्रदर्शक मतलब रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं तब उत्तरदायित्व आ जाता है और हम सारी बातें भूल जाते हैं और सही काम करते सही धर्म का पालन करते हैं और अपना उत्तरदायित्व उचित तरीके से निर्वाह करते हैं जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई है उसको हम अच्छी तरह निभाते हैं जुम्मन शेख के मन में सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ जब जुम्मन को पंच बदा गया सरपंच का उस पंचायत का प्रमुख व्यक्ति चुना गया तो उसके मन में सारे उत्तरदायित्व वाली भावनाएं आ गई दुश्मनी वाली नहीं कि इसने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था मेरे पक्ष में फैसला नहीं आया था ये मेरा दुश्मन है अलगू चौधरी मेरा दोस्त नहीं अब है अब दुश्मन है उसमें इसके खिलाफ फैसला सुना दू ऐसा उसके मन में कोई भी भाव नहीं आया तो उसके मन में जिम्मेदारी वाला भाव पैदा हुआ उसने सोचा मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूं उस समय जुम्मन ने क्या सोचा कि मैं अभी इसका न दोस्त हूँ न दुश्मन हूँ तो मैं आज इस पंचायत का सर्वोच्च प्रमुख व्यक्ति हूं और मैं उस आसन पे बैठा हूं और मुझे धर्म का पालन करना है न्याय और सच्चाई के साथ रहना है ना कि पक्षपात करना है ना दुश्मनी निभाना है ना दोस्ती निभाना है ऐसी भावना जुम्मन से के मन में आ गई मेरे मुंह से इस समय जो कुछ निकलेगा वह देववाणी के सदृश है जुम्मन ने क्या कहा कि जो भी मेरे मुंह से फैसला आएगा जैसे देवों की वाणी है ईश्वर की वाणी है ईश्वर के शब्द है ऐसे शब्द सदृश सबके सामने आएंगे पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करने शुरू किए पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब शुरू किए दोनों पक्षों के बाद सामने आई बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समन कर समर्थन करते रहे पूछा जाता था दोनों पक्षों को समझू चाहू को और इधर अलगू चौधरी को दोनों पक्षों से समय समय पर सवाल जवाब शुरू हुए फैसला जानना अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया जब सबकी बातें सुनी गई अलगू चौधरी की बातें सुनी गई समझू साहू की बातें सुनी गई तब जुम्मन ने फैसला सुनाया अलगू चौधरी और समझू साहू पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह से विचार किया यही उचित है कि समझू बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे दे जिस वक्त उन्होंने बैल दिया उसे कोई बीमारी नहीं थी उसी अगर उसी समय दाम दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया कि हमने आपकी दोनों की बातें सुनी और साहू आपको उस बैल का दाम चुकाना पड़ेगा मतलब अलगू चौधरी को वो बैल के पैसे आपको देने पड़ेगी क्यों क्योंकि जब आपने उस अलगू चौधरी से बैल खरीदे थे उस समय बैल स्वस्थ था किसी भी प्रकार की बीमारी भी नहीं थी अच्छा खासा बैल था और उस बैल से आपने एक महीने तक काम भी लिया मेहनत मेंनत भी कराए। तो और अगर वह बैल का दाम आपने दिया रहता तो ये बात ही नहीं आती कि पैसे दिया जाए कि नहीं दिया जाए लेकिन आपने एक महीने की बाद पैसे देने की बात की थी तो आपको उस बैल का पैसे आपको देना पड़ेगा बैल का दाम है कीमत है वो आपको वापस अलगू चौधरी को करना ही पड़ेगा तो फैसला किसके पक्ष में गया मेरे प्यारे बच्चों तो फैसला गया अलगू चौधरी के पक्ष में समझू साहू को बैल की कीमत देनी पड़ेगी अब समझू साहू तो चुप हो गए लेकिन आगे क्या हुआ देखो बच्चों अलगू चौधरी फूले ना समाए अलगू चौधरी फूले न समाना मतलब एक भी मुहावरा है फूले न समाना अत्यंत खुश हो जाना अलगु चौधरी को तो जैसे जुम्मन शेख को पंच बता गया उस समय तो कलेजा धड़कने लगा था जोरों जोरों से लेकिन जब जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया तो जुम्मन शेख का फैसला सुन फूले नहीं समाये उठ खड़े हुए जोर से पंच परमेश्वर की जय पंच परमेश्वर की जय मतलब जो हमने पंच बने वो परमेश्वर है और उनकी जय जयकार करने लगे इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई पंच परमेश्वर की जय पंच परमेश्वर की जय सबको ऐसा लगता था पंच वहां जो बैठे थे उनको ऐसा लगता था कि जुम्मन बदला लेगा अलु चौधरी से बदला लेगा ऐसा सबके मन में थोड़ी-थोड़ी भाव विचार थे लेकिन जब सच्चाई और ईमानदारी से फैसला सुनाया गया तो जो अलगू तो खुश हुए ही लेकिन जो आजू बाजू के लोग थे जो पंचायत में बैठे थे उनकी भी प्रतिध्वनि सुनाई देनी पड़ी कि पंच परमेश्वर की जय पंच परमेश्वर की जय मतलब जो फैसला आया उस फैसले से सबको सहमति थी और बहुत सही फैसला था किसी के पक्ष में न पक्षपात न करते हुए दुश्मनी न करते हुए मित्रता न निभाते हुए जुम्मन शेख ने फैसला सुनाया था पंच परमेश्वर की जय ऐसी प्रतिध्वनि आवाज सब तरफ से सुनाई देने लगी थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनने गले लिपट कर बोले देखो एक जुम्मन है और अलगू चौधरी है दोनों गले लिपट कर बोल रहे आज तक वो कैसे मिलते थे हमने पहले सुने थे बच्चों कहे थे आपसे कि कैसे मिलते थे जैसे तलवार से ढाल मिलती है ऐसे मिलते थे वो लेकिन आज नहीं बड़े प्यार से गले मिल रहे देखो पिक्चर में आपको दिख रहा है अलगू चौधरी और जुम्मन से एक बड़े प्यार से गले मिल रहे हैं और गले लिपटकर जुम्मन अलगू के पास आए उनके गले लिपटकर बोले भैया आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पथ पर बैठकर न किसी का कोई दोस्त होता है न दुश्मन जुम्मन तो उस फैसले से खाला जाने वाले फैसले से नाराज थे उनको तो लगा था कि अलगू चौधरी मेरा दोस्त होने के बावजूद भी मेरे पक्ष में न्याय नहीं दिया खालाजान को रुपये देने की बात फैसला सुना दिए थे पहले पंचायत में तो उनकी तो दुश्मनी हो गई थी लेकिन जब जुम्मन शेख की बारी आई जुम्मन शेख को पंच बदा गया पंच चुना गया तो उन्होंने कहा कि भैया आज मुझे ज्ञान हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन जो पंच होता है वो ईश्वर का रूप होता है परमेश्वर का रूप होता है न वो किसी का दोस्त है न किसी का दुश्मन है न किसी के साथ पक्षपात करेगा जो भी निर्णय लेगा वो सही निर्णय लेगा सच सच्चाई के साथ पूरा न्याय होना चाहिए बोलता है आज मुझे अच्छी तरह पता चल गया कि इस पद पर बैठकर क्या महसूस होता है और क्या हमें करना होता है न्याय के सिवाय उसे कुछ और कुछ नहीं सूझता जो भी व्यक्ति बोले इस पंच के पद पर बैठता है उसको सिर्फ न्याय ही दिखता है कोई पक्षपात नहीं दिखता अलगू भी रोने लगे इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया जो दोनों के जो दोनों के बीच में मनमुटाव था फैसले के कारण पहले तो बच्चे दोस्त थे गहरी दोस्ती थी मित्रता थी लेकिन ये फैसला जब सुनाए है जुम्मन शेख जी ने अलगू चौधरी का तब दोनों का मैल था जो उनमें कड़वाहट भरी थी दिलों में वो धुल गई मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई तो बच्चों जो दो दोनों दोस्तों के बीच में उस फैसले से नाराजगी आई थी दुश्मनी हो गई थी अब वो वापस दूसरे फैसला जो मन शेख ने जब सुनाया सच्चाई का न्याय का तो दोनों की दोस्ती वापस से फिर लहरा गई जैसे कि लता रहती है बेले रहते मुरझा जाते है, लेकिन उनमें पानी डाल दो तो वो हरे हो जाते हैं और खिल जाते हैं वैसे ही इनकी दोस्ती इस फैसले से उनके मन का मैल मिट गया और वो दोनों वापस मित्र हो गए तो बच्चों आपको एक कहानी बहुत अच्छी पसंद आएगी समझ में भी आई होगी बहुत मजेदार कहानी थी बच्चों अब इस कहानी में जो शब्द आए थे उनको मैंने समय समय पर आपको इनके अर्थ बताते गया तो भी हम कुछ शब्द मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे बच्चों तो उन शब्दों को आप स्क्रीन ले लीजिए ताकि जब आप इस पार्ट को और दोबारा पढ़ोगे तो उस समय आपको मदद करेंगे जैसे गाड़ी गाड़ी का मतलब होता है घनिष्ठ गहरी मैंने बताया था आपको सांझे में मतलब साजे में खेती होती थी उनकी साजे मतलब एक साथ मिल्कियत मिल्कियत में जो जो खाला जान की संपत्ति थी उसका मिल्कियत का समानार्थी शब्द है संपत्ति निकट करीबी दोस्त करीबी पास का जो निकट कौन था सबसे तो अलगू चौधरी और जुम्मन से जो निकट थे एकदम करीब थे आदर सम्मान धृष्टता उदंडता निर्लसता धृष्टता का समानार्थी शब्द होगा उदंडता से जब जुम्मन जान ने पैसे मांगी थी जुम्मन से तो कैसे उदंडता से उत्तर दिए थे उन्होंने धृष्टता से उत्तर दिए थे निर्लजता जिनको कुछ शर्म नहीं थी बोले कि रुपए क्या पेड़ पर फलते हैं संध्या संध्या मतलब शाम खाला खाला का मतलब मौसी बिन्ती मतलब प्रार्थना दोस्ती मित्रता उक, आदेश हुक्म हुक्म करते हैं ना आदेश जो भगवान का हुक्म होगा वही पंच परमेश्वर का मतलब जो पंच परमेश्वर सुनाएंगे वो किसका हुक्म होगा आदेश होगा तो भगवान का आदेश होगा खुदा ईश्वर परमेश्वर भगवान मालिक विश्वास यकीन दाम, दाम का मतलब होता है और हिंदी में समानार्थी शब्द हुआ कीमत देहांत देहांत मतलब गांव देहात 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 मतलब गांव जो ग्रामीण एरिया रहता है उसको बोलते हैं देहात पथ पथ का मतलब होता है मार्ग रास्ता अब बच्चों इस पार्ट में जो जो मुहावरे आए थे मैंने उस मुहावरों को यहाँ आपके सामने स्क्रीन मोबाइल स्क्रीन पे देखा हो आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए जब आप पढ़ाई करो लिखोगे तो इन सारे मुहावरों का अर्थ और इन अर्थ का वाक्य में उपयोग करना है आपको जैसे दूध का दूध और पानी का पानी एक मुहावरा आया था दूध का दूध और पानी का पानी असलियत सामने आना इसका अर्थ क्या होता है असलियत सामने आना जो सच्चाई है वो सामने आ गई मतलब दूध का दूध पानी का पानी जड़ हिला हिलना मतलब असक्त कर देना जड़ हिलने का अर्थ मुहावरे का अर्थ क्या होता है असक्त कर देना कलेजा धक धक करना कलेजा धक धक करने का अर्थ क्या होता है बच्चों? अधिक घबरा जाना वो डर गए। जब अलगू चौधरी और जुम्मन अलगू चौधरी का जब फैसला जुम्मन शेख को पंच बदल गया तो उनका कलेजा धक धक करने लगा था डर गए थे जब हम कोई चीज से डर जाते हैं बच्चों, तो हम हम अंदर से पूरे डर जाते अधिक घबरा जाते है तब हमको कलेजा धक धक करना मुहावरे का उपयोग होता है फूला न समाना अधिक खुश हो जाना जैसे इसको हम वाक्य में उपयोग करेंगे तब इसका मुहावरे का अर्थ मालूम होगा तभी हम इसको अच्छी तरह कहीं दूसरी जगह वाक्य में उपयोग कर सकते हैं तो फूले न समाना इसका मतलब होता है अधिक खुश होना अत्यधिक खुश हो जाना फूले न समाना अब बच्चों इसी पाठ के जो वाक्य आए हुए हैं किसने किससे कहा ए, आपको पेपर में पूछा जाता है वाक्य दिए हुए रहते हैं आपको उन वाक्यों को पढ़ना रहता है और वो वाक्य है किसने किससे बोला है वो हमको उत्तर लिखना होता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है तो मैं बता हूँ आपको ध्यान से सुनिए बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा किसने किससे कहा था बच्चों तो ये कहा था खालाजान ने जुम्मन से किसने किससे कहा था खालाजान ने जुम्मन से कहा था बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह ना होगा दूसरा सवाल है बच्चों रुपए क्या यहाँ फलते हैं रुपए क्या यहाँ फलते हैं ऐसा किसने किससे कहा था तो ये कहा था जुमन शेख ने खाला जान से रुपए क्या यहाँ फलते हैं किसने किससे कहा था याद करो बच्चों हमने कहानी में अच्छी तरह सुना था तो ये कहा था जुमन शेख ने खाला जान से जब जुमन से खाला जान ने बात कही थी कि हमारा आपके साथ निर्वाह नहीं होगा हमें रुपए दे दो तब उदंडता से एकदम दृष्टता से जुम्मन ने कहा था रुपए क्या यहाँ फलते हैं उस समय का वाक्यांश है तो ये जुम्मन ने खाला जान से कहा था फिर तीसरा सवाल है बच्चों जुम्मन, जुम्मन मिया किसे पंच बदते हो ये जब पंचायत भरी थी बच्चों तब जो पंचायत के प्रमुख थे रामधन मिश्र तो रामधन मिश्र ने जुम्मन से कहा जुम्मन मिया किसे पंच बदते हो खाला तुम जानती हो कि अब चौथा सवाल है खाला तुम जानती हो कि जुम्मन से मेरी गाड़ी मित्रता है खाला तुम जानती हो कि जुम्मन से मेरी गाड़ी मित्रता है तो ये किसने किससे कहा था बच्चों? तो ये कहा था अलगू चौधरी ने खाला जान से जब अलगू चौधरी को पंच बदा था खाला ने तब अलगू चौधरी के मुंह से शब्द वाक्यांश निकला था खाला तुम जानती हो कि जुम्मन से मेरी गाड़ी मित्रता है बोलो चौधरी किस किसको पंच बदते हो बोलो चौधरी किस किसको पंच बदते हो तो ये दूसरी पंचायत के समय का वाक्यांश है जब रामधन मिश्र ने किससे किससे कहा था रामधन मिश्र ने अलगू चौधरी से कहा था कि आप किसको पंच चुनते हो बदते हो अब आपका पुस्तक का ये कुछ छोटी सी कहानी है प्यारे बच्चों आपने पहले वाले पार्टों में पढ़े हैं संज्ञा क्या है सर्वनाम क्या है तो आपको एक छोटा सा यहाँ वाक्यांश दिया हुआ है इस वाक्यांश को हमको पढ़ना है और इन वाक्यांश में से हमको संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है ये दो संज्ञा और सर्वनाम ढूंढना है मैं इसको आपको पढ़ता हूँ और आपको यहाँ से संज्ञा और संज्ञा और सर्वनाम इन दोनों में से आपको जैसे पढ़ रहा हूं मैं माधोपुर गांव के मेले में शहर जैसी भीड़ थी वहां कुछ बच्चे भी घूम रहे थे उन्होंने दुकानों में पानीपुरी दही चने दही बड़े लस्सी और कई प्रकार की मिठाइया बिकते हुए देखी उन्होंने तय किया कि हम सब अपने आप खरीदारी करेंगे कुछ समय बाद जब वे आपस में मिले तो किसने क्या खरीदा है पूछने लगे अंत में सभी खुशी खुशी अपने अपने घर आ गए तो ये वाक्यांश है कहानी छोटी सी इसमें आपको संज्ञा ढूंढना है सर्वनाम ढूंढना है तो संज्ञा सर्वनाम हमने पिछले पार्टों में पढ़े हैं तो आपको अच्छी तरह मालूम है कि संज्ञा और सर्वनाम कैसे निकाला जाता है तो भी वापस से मैं संज्ञा की परिभाषा बता देता हूँ बच्चों संज्ञा मतलब किसी भी व्यक्ति स्थान वस्तु या जगह का नाम बहुत सरल है संज्ञा पहचाना आसान है जैसे माधोपुर गांव मेले शहर भीड़ बच्चे दुकान पानीपुरी दही चने दही बड़े लस्सी मिठाइया इतने संज्ञा है किसी वस्तु का नाम है किसी गांव का नाम है जैसे देखो माधोपुर ये गांव का नाम है गांव ये गांव का एक समूह शब्द है गांव, फिर शहर ये भी शहर है शहर भी एक संज्ञा है भीड़ सॉरी भीड़ नहीं होगी संज्ञा दुकान पानीपुरी दही चने दही बड़े लस्सी और मिठाई ये सब क्या है संज्ञा अब इन सब में से हमको सर्वनाम ढूंढना है जितना वो लिखा हुआ इसमें से हमको क्या ढूंढना है बच्चों सर्वनाम तो सर्वनाम में क्या होता है जब नाम की जगह या संज्ञा की जगह जब दूसरा शब्द हम वहां उपयोग करते हैं उसको बोलेंगे सर्वनाम नाम की जगह संज्ञा की जगह जो शब्द उपयोग में लाया जाता है उसको बोलते हैं सर्वनाम वहां, तो वहां मतलब माधोपुर में तो वहां क्या है सर्वनाम हो गया कुछ कुछ मतलब वो बच्चे उन्होंने तो किसने उन्होंने उन्होंने मतलब बच्चों ने बच्च, बच्चों की जगह क्या है उन्होंने तो ये सर्वनाम है ऐसे आपको इस अपने आप कुछ ये सर्वनाम है ढूंढ के आपको अपने इसका और अपने नोटबुक में लिखकर रखना है संज्ञा और सर्वनाम ये पिक्चर देख लो बच्चों आपको इन पिक्चरों को देख के निर्णय क्षमता घर में आपका होमवर्क है इन पचरों पिक्चरों को स्क्रीनशॉट ले लो और इस पर चर्चा करना है इनमें क्या निर्णय लिया जा रहा है और फिर दूसरा पिक्चर है ये भी देखिए ये भी आपको क्या दिख रहा है वो आपको और निर्णय लेना है ये 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 भी पिक्चर देखो। ये पिक्चर ये पिक्चर देखो देखिए कार्य है इन प्रश्नों के उत्तर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखकर कॉपी में नोट करके भेजना है अपने सर को दिखाना है तो आज हमारा लेसन यही समाप्त हुआ प्यारे बच्चों